ओ, अब तक मैं आपने जाना कि मिस्टर फ्रैम्पटन नेटल अपने नर्व के इलाज के लिए मिसेस सेपलेटन के घर जाते हैं। वहाँ पे मिसेस सेपलेटन तो पहले से मौजूद नहीं रहती है और उसकी नीस जो होती है वो मिसेस सेपलेटन के हस्बैंड और उसके भाइयों के साथ हुई ट्रेजेडी के बारे में बताती है। लेकिन जब मिसेस सेपलेटन आती है तब तो कहानी कुछ और ही रहता है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड और उसके भाई आते ही होंगे हाल ही में, और फिर मिस्टर फ्रैम्पटन पीछे देखते हैं ओपन विंडो के थ्रू कि 3 शख्स उसकी तरफ आ रहे हैं जो कि वही लोग होते हैं जिसके बारे में मिसेस सेपलेटन बात कर रही थी, यानी कि उसके हस्बैंड और उसके 2 ब्रदर्स। तो अब मिस्टर फ्रैम्पटन के साथ क्या होता है, आइए जानते हैं। आजा सिखा दूं मैं ये रैप हम करते हैं कैसे, आजा दिखा दूं मैं लोग क्रैक पे मरते हैं कैसे। हाँ, इंटरनेट बीफ पर डरते हैं, वैसे दिखाते गरीबी पर घर पे हैं पैसे, चश्मे भी नकली ये पढ़ते हैं कैसे, ये लड़की के बाल ये लड़के हैं कैसे। मिसेस सेपलेटन के हस्बैंड और उसके भाई को उस विंडो के थ्रू उनके तरफ आता देख फ्रैम्पटन जल्दी से अपने स्टिक और अपने हैट को जो अपने साथ लाया था उसको उठाता है और डोर के थ्रू ग्रेवल ड्राइव की तरफ और फिर फ्रंट गेट के पास भागता है और फिर वो बहुत तेज़ी से उस घर से बाहर निकलता है। वो इतनी तेज़ी से उस घर से निकलता है कि बाहर से एक साइकिल वाला जा रहा था और उसके उस तेज़ मूवमेंट के चलते वो फ्रैम्पटन से टकराते टकराते बच जाता है, यानी कि फ्रैम्पटन इतना ज़्यादा डर गया था कि वो अब वहाँ और नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वेरा ने तो उसे बताया था कि उसके हस्बैंड के और भाई की मौत हो चुकी है 3 साल पहले ही, और मिसेस सेपलेटन तो कुछ और ही बता रही है। और फिर वो उन तीनों को आता देखता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है कि वो एक आदमी मर के भी ज़िंदा कैसे हो सकता है। तो जब फ्रैम्पटन चला जाता है तो वो लोग अंदर आते हैं और उसका हस्बैंड जिसके कंधे पे वाइट कोट था वो कहता है कि हम लोग आ गए माय डियर। वो आदमी कौन था जो कि भी बिजली की रफ्तार से बाहर भाग गया जैसे ही हम अंदर आए। वो एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी था जिसका नाम मिस्टर नेटल था, मिसेस सेपलेटन ने कहा। वो अपने बीमारी के बारे में बात करने आया था, लेकिन पता नहीं कि वो अचानक ही यहाँ से चला गया बिना कोई गुड बाय बोले, बिना कोई अपोलॉजी के। ऐसा लग रहा था कि कहीं उसने कोई भूत देख लिया हो। फिर उसकी नीस कहती है कि शायद वो इस पैनियल को देख के डर गया हो। उसने मुझे बताया था कि उसे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बार क्या हुआ कि गंगा नदी के किनारे सीमेंट्री में उसके साथ एक हादसा हुआ था कि बहुत सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ गए थे, उसके ऊपर भौंक रहे थे, तो इसी डर के कारण उसे अपनी रात एक कब्र में गुजारनी पड़ी जो कि नई नई खुदी हुई थी, जिसके ऊपर कुत्ते सब भौंक रहे थे, गुर्रा रहे थे, घूम रहे थे ठीक उसके ऊपर। तो इतना ही बहुत था उनके नर्व का प्रॉब्लम होने का। मौका देख के ही थोड़ा सा फन और एंजॉयमेंट करना उसकी स्पेशलिटी थी। चारे लाना पिछला पुराना मुझे शौक नहीं, टॉप 10 लिस्टों में आना तेरे गानों से इंटरेस्ट किश्तों में ज्यादा मेरा रिश्तों में पापा तेरा डिस्को बना दो मेरा जाओ इसको दिला दो थोड़ा बाप। तो ये कहानी जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिस तरह से मिस्टीरियस साउंड कर रही थी, पार्ट 3 में उतना ही ज़्यादा रिवीलिंग था, यानी कि उसकी जो नीच थी वो मिस्टर नेटल के साथ प्रैंक कर रही थी। उसका आदत था छोटी छोटी चीज़ में प्रैंक करना, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करना जहाँ भी पॉसिबल लगे। यानी कि अगर आप कहानी को सिर्फ पेज नंबर 60 तक ही पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगेगा, लेकिन जैसे ही 61 पेज नंबर का आप एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये उतना ही ज़्यादा रिवीलिंग रहेगा। तो ओवरऑल इस कहानी में जो नीस थी वेरा, वो मिस्टर नेटल के साथ साथ मिसेस सेपलेटन और बाकी सब के साथ भी प्रैंक करती है उस डॉग वाली कहानी को बताकर। और इस कहानी का कंक्लूजन यही निकलता है कि एक आदमी जो नर्व की बीमारी के इलाज के लिए एक गांव में आया था, एक रूरल एरिया में आया था, वहाँ उसके साथ और भी ज़्यादा डरावनी बातें कराकर उसे वहाँ से भगा दिया गया और उसकी नर्व की का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गया। थैंक यू गाइस ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो हैव अ नाइस डे। जो भी ये छोड़ेंगे तेरा साथ, ऐतिहासिक ना होंगे तेरे ये बार्स, मेरी रफ्तार अब लगेगी तुझे फास्ट, तो फूलेगी तेरी सांस और खुलेंगे तेरे राज। और ये शुरुआत, दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट इंडिया बिच।